वाह क्या बात। इस मंच तक आपकी पहुंच को मैं सलाम करता हूं। साथियों तक है, उठो जागो संघर्ष करो, मुश्किलों के दर्द में हर्ष करो। पर तुझे रुकना नहीं है, दुश्मन करेगा रोकने की कोशिश पर तुझे रुकना नहीं है। मैं आपके इस साहस, आपके इस संबल को, आपके इस स्टोरी को इस मंच के माध्यम से सलाम करता हूं और आपके उत्साह को बढ़ाते हुए मैं इस मंच से आपका इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में जेएनयू के कल्चर की रवायत को बढ़ाने में आपके यहाँ के आप भाग लेने पर मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं। जानू भाई, आप मेरे सीनियर रहे हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र रहे हैं। अच्छा लगा कि आप इतने दूर प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल किए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो छात्र आंदोलन हम लोग वीसी के खिलाफ लड़ेंगे उसमें शामिल रहेंगे। आंदोलन नो क्वेश्चन, थैंक यू। आप देखो यो कुछ तो आप एनएसएल से ताल्लुक रखते हैं। 2006 में कांग्रेस ने लीडो लाया इस देश में और तमाम कैंपस का स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बर्बाद किया लिंडो ने। कुछ दिन पहले लिंडो की क्लॉज नंबर 6.5.7 आपका नॉमिनेशन कुछ एक दिन रिजेक्ट होता है। साथ ही आपको नहीं लगता है कांग्रेस की रिप्रेसिव है, साथ ही आपको नहीं लगता आपको कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। पहले तो मैं मेरे साथी को याद दिला दूं कि जो बात कर रहे हैं कि मेरा लिंडो की वजह से कैंसिल हुआ, तो गलत बात कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। कारण बताता हूँ, कारण सुनिए। मेरा नॉमिनेशन जो कैंसिल किया गया था वो बीजेपी के कहने पे किया गया था। कारण बताता हूँ, मेरे पे जो इंक्वायरी आई थी, आप सुनिए उस चीज को, मेरे पे जो इंक्वायरी आई थी वो इंक्वायरी थी रोड ब्लॉक करने को लेके, वो इंक्वायरी थी जिसमें हमको फाइन दिया गया था 20,000 रुपए और होटल से निकाला गया था। लेकिन आपको याद दिला दूं कि माननीय हाईकोर्ट ने ये बोला था कि इंक्वायरी गलत है, बायस है, आप इसको दोबारा कीजिए। और उसमें दूसरी बार भी माननीय हाईकोर्ट ने यही बोला था, दूसरी बार जमीन ने हमको फाइन किया था तब भी माननीय हाईकोर्ट ने यही बोला था कि इंक्वायरी बायस और आप इस इंक्वायरी को दोबारा कीजिए। तब उसके बाद जब इंक्वायरी पेंडिंग है, इंक्वायरी अभी कंस्टिट्यूट ही नहीं हुई है, तो आप बताइए साथी ये कौन सा समझदारी है आपका जो आप हमसे पूछते हैं कि आप गिल्टी हैं। लिंगो के नियम के अनुसार ये है कि जब आप गिल्टी होते हैं देन आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं गिल्टी कहाँ था, मेरी तो इंक्वायरी पेंडिंग है। कम से कम इतनी बात समझदारी रखते हैं। दूसरी चीज ये बोखलाहट का नतीजा था बीजेपी का जो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करने की कोशिश की। उसके अलावा ये लैंड कमजोरी है, हमारा हर कमजोरी स्पेस जहाँ पे लैंड है वो